एक राधा है, एक मोहन है, दोनों अपनी प्रेम लीला में मगन हैं। लेकिन कोई है जो इनकी प्रेम लीला को रोकना चाहता है, तोड़ना चाहता है। लेकिन जब तक मोहन राधा के साथ है, तब तक इस प्रेम लीला को कोई नहीं रोक सकता। ये क्या हो रहा है मोहन, तुम्हें आखिर तुम्हें इस बात का एहसास क्यों नहीं होता है कि तुम राधा से प्यार करते हो? जब भी दामिनी सामने आती है क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? अब जो नज़ारा हमारी आंखें देख रही है ना, उसे देखकर ही हम आपसे ये कह रहे हैं। दामिनी तो एक नंबर की ड्रामेबाज है। उसकी तबीयत खराब हो गई है, ये भी वो ड्रामा कर रही है। और मोहन को देखिए, ये कैसे उसे अपने हाथों से इस सूप पिला रहा है। वो एक कश्मकश में है कि दामिनी या राधा। राधा से वो शायद प्यार करने लगा है, जो वो खुद भी रियलाइज़ नहीं करता। पर दामिनी से उसने 12 साल पहले से प्रॉमिस कर रखा है कि मैं शादी करूँगा तो तुम्ही से करूँगा। तो वही कश्मकश में अटका हुआ है बेचारा। अब गुनगुन को तो ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक तरफ दामिनी की माँ खुश हो रही थी, तो दूसरी तरफ गुनगुन ने बीच में आकर दामिनी का पूरा काम ही बिगाड़ दिया। वही तुलसी भी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन राधा कहाँ है? वो अब तक दफ्तर से आई क्यों नहीं? कहीं दामिनी ने ही तो कुछ गड़बड़ नहीं की है? तबीयत खराब करने वाला नाटक करना ही पड़ा, क्योंकि एक पॉइंट पे दामिनी ऐसे पहुंच गई थी जहाँ पे मोहन, तुलसी और राधा ने कॉर्नर किया कर दिया था। हम दोनों को एक ऐसे सवाल पे अटक गए थे जिसका अगर मैं जवाब दे दूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए हम दोनों की, या तो हम जेल जाएँ या मर जाए। तो उससे बचने के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट करना पड़ा। अब मोहन, हे पत्नी की चिंता करो, हे बचपन की दोस्त जिसे तुमने वादा किया था उसे अब भूल जाओ, यही आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सही होगा। फिलहाल तो राधा हमें लगता है दामिनी के खिलाफ सबूत ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि बहुत जल्द वो इस बात का पता लगा लेगी कि तुलसी जीजी का खून किसने किया था। और जब इस बात का पता लग जाएगा तब तो दामिनी और उसकी माँ की खैर नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।